नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ एयरपोर्ट के विसायीकरण के विरोध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राजीव यादव का अपहरण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर खिरियाबाग में प्रदर्शन कर रहे किसान राजीव यादव व मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे के नेतृत्व में किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। बड़ी संख्या में किसानों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने राजीव यादव का अपहरण करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में पिछले करीब ढाई महीने से खिरियाबाग में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राजीव यादव, उनके भाई व मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे शनिवार को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में व किसानों के समर्थन में पदयात्रा वाराणसी से निकाल रहे थे कि पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और सारे पद यात्रा रद्द हो गई। राजीव यादव ने इस मामले में पुलिसकर्मियों पर अपहरण करने का आरोप लगाया। इससे आक्रोशित किसान राजीव यादव, मैगसेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान किसान नेता राजीव यादव का आरोप है कि उनको सादे कपड़ों में पुलिस के जवानों ने मारपीट कर अपहरण किया। देर रात उनको कंदापुर थाने से निजी मुचकले पर छोड़ दिया गया। संदीप पांडे ने कहा कि एयरपोर्ट के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन करना सभी का हक है, लेकिन इस तरीके से मारपीट कर किसी का अपहरण कर आंदोलन की आवाज को दबाना ठीक नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि किसान नेता राजीव यादव व संदीप पांडे का प्रतिनिधि मंडल मिला, अच्छे माहौल में वार्ता हुई। आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था की ड्यूटी करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार न किया गया है और न ही किया जाएगा। जो भी शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई है उसकी जांच कराई जाएगी। देखिए संदीप जी 24 तारीख को पदयात्रा करके यहाँ आना चाहते थे आजमगढ़, और वहाँ पर उनको डिटेन किया गया। उसके बाद वह यात्रा स्थगित हो गई। हम लोग वहाँ से जब चल रहे थे तो वहाँ पर चोलापुर थाने में एक बाईपास के यहाँ, जैसे हमारे साथी को पानी पीने का मन कहा, उतरे और वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा कि राजीव भाई, और उसके साथ चार पांच लोग और आए, और इसके बाद उन्होंने मुझे मारना पीटना, गाली गलौज करना, मेरे मुंह में मारा, और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने की कोशिश किया मेरी मोबाइल छीन लिया, और मारते पीटते मैंने कहा आप लोग हैं कौन, जो है आप लोग के हम कहें हम आपको बताएंगे ना, हमको पहचान नहीं रहे हो, और गुंडों की तरह एकदम अपहरण हमारा किया और ले जा करके गाड़ी के बीच में जो है मुझे बैठाया दो, एक तरह से एक तरह, और दाब करके नीचे मुझे रखे रहे। और उसके बाद वो लोग जो है कहे कि पिस्टल कहाँ है, पिस्टल कहाँ है। मैं कहा कि किसान नेता हूँ, दाल चावल की बात कर सकता हूँ, पिस्टल कहाँ से लाऊंगा जो है। इसके बाद हमारे साथी विनोद यादव जो कि फोटो खींच रहे थे वहाँ पर, इनको तुरंत मारते पीटते हुए गाड़ी के पीछे डाला गया। उसके बाद लगातार खिरिया आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, मेधा पाटकर के बारे में, संदीप पांडे के बारे में, राकेश टिकैत के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में बात करने लगे, और क्यों करते हो, तमाम चीज़ें हैं, मोदी अच्छा आदमी है, भाजपा की एकदम पूरी पॉलिसीज को वो बात कर रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि भाई देखिए आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। कहा कि निरहुआ से क्यों नहीं तालमेल कर लेते हो। और इसके बाद और उन्होंने कहा और क्या लगता है कि इन सब चीजों के मैं जा रहा हूं, मैं मुझे देवगांव थाने पे ले जाया गया, मैं वहां कहा पानी दे दीजिए, पानी नहीं कहा, लेकिन देवगांव से आगे जाकर के एक एसएसपी AZH करके उनके मोबाइल फोन पे फोन आया, और उसने आदमी ने अपना नाम विनय दुबे बताया, और उसके बाद बाहर गया। उसके बाद उन्होंने बात किया, उसमें नरमी आ गई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं न, 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 मुझे नहीं मालूम, मुझे आदेश है ऊपर से जो। हमने कहा आप, इसके बाद उनके फ़ोन पर दिलीप सिंह का फ़ोन आया, और इसके बाद कंदरापुर थाने में मुझे लाया गया। मैं कंदरापुर थाने में मैंने पूछा कि आखिर में आपको यह अपहरण करके मुझे क्यों बुलाना था, अगर बात करनी थी मैं आपके बगल में हूँ, आंदोलन में रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, क्यों यहाँ पर लाया गया, और उन्होंने आके SDM कोर्ट में मुझे पेश किया, और वहाँ पर जो कागज़ थे उसमें कहा कि आप ले लीजिए, यहाँ पर यहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। मैं कहा ये क्या है, उन्होंने कहा कि जमानत है। हमने कहा कि क्योंकि वो लोग जिस तरह से इनकाउंटर करने के फिराक में थे हमारा, और मेरे पर फर्जी केस लादने के फिराक में थे, मुझे लगा कि इस हिरासत से मुझे जल्द से जल्द मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं साफ कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ के SSP से आज भी मैं मुलाकात किया मैंने, और उनसे मैं बोला कि एक अपहरणकर्ता जो दिन दहाड़े अपहरण कर रहा है उसके फोन पे SSP AZH का नाम जा रहा है, मतलब SSP AZH की इसमें भूमिका है, उस नंबर को सर्विलांस किया जाए, SP के नंबर को सर्विलांस किया जाए।
दूसरी तरफ मुझे कंदरापुर थाने को हैंडओवर किया गया, मतलब थानेदार को मालूम है कि वो लोग कौन थे जो है, क्योंकि और दूसरी बात कि जो 112 पे हमारे साथियों ने वहाँ पर जो कंप्लेन किया तो लोकल थाने ने कहा कि वहाँ पर एसटीएफ क्राइम के लोगों ने उठाया, मतलब कि एसटीएफ क्राइम अपराधी आए थे कार्रवाई की मांग करने। तो कितना लगता, उम्मीद क्या है आपको न्याय मिलने की? देखिए उम्मीद तो ये मैं बस आप कहूँ कि मैं इन्हीं एसएसपी साहब से मुलाकात किया था कि दिनेश लाल ने रहुआ जिसमें आजमगढ़ को लोगों को बोला था कि मनबढ़ है, ठोक दो, ऊपर पहुँचा दो और गोली मार दो, मैं इस पर बोला तो उन्होंने कहा था कि आप भड़काते हैं लोगों को। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं तो मानता हूँ कि जो मेरे ऊपर हुआ ये ठोक दो की निरहुआ और योगी की पॉलिसी के तहत हुआ है, और ये जब ये निरहुआ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उन जो अपने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो मुझे नहीं इनसे कोई उम्मीद लग रही है। लेकिन फिर भी हम लोग न्याय और संविधान और कानून में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, हम चाहेंगे कि जो भी अपहरण करता है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो भी जाँच करवाई जाए, और क्योंकि किसान आंदोलन का जो दमन चाहते हैं ये कतई नहीं होगा, और हमारा 75वां दिन है, हम इसको मनाएंगे और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस नहीं जाता। ने मूल बात ये कही कि भाई अगर आपको राजीव से बात ही करनी थी तो भाई ऐसे बुला लेते जैसे हम लोग आज आए हैं, मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना ये ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें कहीं, राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ, और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं भाई, इस देश में भू अधिग्रहण कानून है जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए, तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते तो शायद आंदोलन ही नहीं शुरू होता, और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा एसपी ऑफिस के बाहर, धरने की कोई कार्यक्रम ही नहीं था, हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के लेकिन पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे, राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनके मोबाइल पे SPAZH यानी SP आजमगढ़ का फ़ोन आ रहा था, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें, अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। लोग बैठे हुए थे यहाँ, करेला के घेराव भी किया, सब तो क्या मांगे रही उनकी और आपसे क्या वार्ता हुई? अभी मेरे समक्ष एक प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें संदीप पांडे जी और उनके साथ कुछ लोग आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कुछ बातें अंकित की गई, उसकी जाँच कराने का मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, और नॉर्मल बड़े अच्छे माहौल में वार्ता हुई और मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस कोई भी जो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हैं उसको सुनिश्चित किया जाएगा, और किसी के साथ भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा ना किया गया है ना किया जाएगा, इसी के बारे में आपस में बातचीत। सर उसमें राजीव यादव भी थे, उनका आरोप था कि क्राइम ब्रांच के लोगों ने साधे भी इसमें उनको उठा लिया और मारा पीटा, फिर कंदरापुर थाने ला के छोड़ा गया, फिर हमारी जमानत कराई गई। अब जो वर्जन उन्होंने दिया होगा उसको उन्होंने प्रार्थना पत्र के रूप में भी दिया है, उसकी भी जाँच कराई जाएगी और जाँच करा के आगे वाली कार्रवाई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।